दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्निकल संजू फर्स्ट। और आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आप हमारी यूट्यूब वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और पहले से हैं तो लाइक कर दें ताकि आप लोगों को ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले बात मैं बता दूं कि आप लोगों को जो फ़ोन दिखाया जा रहा है ये यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्री से मिलता है। यदि आप लोगों को बाई करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या इसको मंगा सकते हैं, हम आपको मंगा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ पेमेंट करना पड़ता है। सो इसके लिए यदि आप लोग इच्छुक हैं कि हमें ऐसे फ़ोन चाहिए तो आप लोग पूरा अपना ब्यौरा दें, अपना ब्यौरा यानी एड्रेस प्रूफ, और इसके साथ साथ मनी ट्रांसफ़र भी चाहिए, ठीक है। और आप लोगों को ये 5G वाला फ़ोन अच्छा लगता है तो हमें लाइक करके और कमेंट भी कर देना, ताकि हमें पता चले कि आप लोग कितने लोग हैं बाय करने वाले इस फ़ोन को। ये फ़ोन जो है बहुत ही हार्ड है, मेटलिक का है एकदम, यानी हार्ड बॉडी है, और इसके अंदर आपको बहुत सारी नई चीज़ें, नई खासियत चीज़ें देखने को मिलेंगी। और बहुत खास बात ये है कि ये फ़ोन जितना अच्छा है उससे कहीं ज़्यादा चलने में भी अच्छा है। इसमें जो है हार्ड वर्किंग भी कर सकते हैं इसके अंदर, यानी कि आप लोग कोई भी वर्क जो है इस पे कर सकते हैं, हार्ड सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को बहुत सारे फ़ोटोशॉप एडिटिंग की वीडियो बनाने में परेशानियां होती हैं, तो इस फ़ोन में ऐसी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये फ़ोन इतना स्मूथली चलता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए तो उसके अंदर यानी PC का काम करता है। सो आप लोग हमारे इस चैनल पे यूं ही बने रहें, और आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ अपने जिस फ़ोन को देखने की लालसा की है, हम उस फ़ोन की तरफ आपको लेके चलते हैं। तो प्लीज़ हमारे वीडियो पे यूं ही बने रहें, आप लोगों को और कुछ देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कर देना, और साथ साथ हो सके तो शेयर भी कर देना, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आपको ये i13 Pro Max एप्पल का फ़ोन दिख रहा है। 10th कोर है, 13+32 मेगा पिक्सल का कैमरा दिख रहा है, 6.7 इंच का फ़ोन है और 10th कोर का है, और 12+512 GB का फ़ोन है, 48 मिलियन HD रियर कैमरा है, एकदम ज़बरदस्त है। बैक साइड में जो कैमरा है इसका 32 मेगा पिक्सल का है, ठीक है, बहुत बड़ा से बड़ा इमेजेस खींच सकता है। और इसके अंदर आपको ढेर सारे डिस्कशन दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसमें 2 SIM लगता है और एक मेमोरी कार्ड लगता है। यदि आप मेमोरी कार्ड यूज करते हैं तो एक ही सिम लगा सकते हैं, ऐसे इस प्रकार का इसमें सिम का पोर्टेबल दिया गया है। यदि आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं सिंगल सिम, ठीक है। 7.6.7 इंच नोच स्क्रीन है, स्क्रीन इसका है इतना हाईएस्ट है, ज़बरदस्त है, HD है, आप सोच भी नहीं सकते कितना HD आपको मिलेगा, ठीक है। इसकी बॉडी की बात की जाए तो एक नंबर की बॉडी पड़ती है, और इसके अंदर जो है स्क्रीन का हाई यानी बहुत ज़बरदस्त है, गिरने पड़ने से भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये फ़ोन जो है हाई मोबाइल का है, और इसमें कलर वाइज देखा जाए वाइट, नियर ब्लू, गोल्ड, गोल्डन है, ब्लैक है, इस कलर के फ़ोन आपको मिल जाएंगे। आप बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप किसी भी कलर में चाहेंगे तो आपको फ़ोन मिल जाएगा, और बड़े सस्ते में, अच्छा खासा कीमत में मिल जाएगा आप लोगों को। आप देख सकते हैं 24+48 मेगापिक्सल, 6.7 इंच, 16.512 GB डेका कोर है, और फेस आईडी यानी फेस आईडी से ये चलता है, ठीक है, डेका कोर, और फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। 6800 mAh का बैटरी बैकअप है, और इसकी डुअल सिम का पोर्ट दिया गया है इसमें। i13 Pro Max बिग स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन में है, ठीक है, कहीं भी किसी भी वो उसमें छोटा नहीं है, पूरा फ़ोन लेके चलता है, ठीक है।
इसका देख सकते हैं गोल्डन में कैसे कैसे सब कुछ है, जो यानी किसी भी कलर में लेंगे फ़ोन ये, तो आपको वही चीज़ हर चीज़ मिलने वाली है जो आपने पहले देखा था, ठीक है। लेकिन एक बात ये है, 32 मिलियन HD रियर कैमरे का मतलब ये होता है कि आप लोग इस फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं तो कुछ अच्छा काम करें, क्योंकि ये फ़ोन जो है सबके पास होता नहीं है। और लेकिन इतने सस्ते में मिल रहा है, इतना अच्छा बजट में मिल रहा है, आप सोच नहीं सकते उतना अच्छा, इतना यानी हाई रेंज। तो किसी फोन आपको ये लोकल वेबसाइट पे जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, यहाँ से बाई करेंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, 50 हज़ार, 35 हज़ार, 40 हज़ार के आसपास पड़ने वाला है, ठीक है। लेकिन ये जो मैं फ़ोन जहाँ से दिखा रहा हूँ, जिस वेबसाइट से प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, आपको वहाँ 5 हज़ार के रेट में मिल जाएगा, 5 से 8 हज़ार के बीच में ये फ़ोन आने वाला है, ठीक है। कहाँ 40 से 50 हज़ार, कहाँ आपको 8 हज़ार, 5 से 8 हज़ार, ठीक है। ऐसा फ़ोन आपको ऐसी वेबसाइट कहीं भी नहीं दे सकती। लेकिन ये जानते हैं फ़ोन है मिलेगा, आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो है बाहर देश से आता है, इंडिया के अंदर एप्पल आईफोन ये नहीं मिल पाएगा, मिलेगा लेकिन ऐसा फ़ोन नहीं मिलेगा, इस रेंज में नहीं मिलेगा। ऐसा फ़ोन मिल जाएगा लेकिन बहुत हाई क्वालिटी में मिलेगा, हाई रेट में मिलेगा, ठीक है। और इसका जो फोटो खींचते हो फेस में, तो 0 फोटो सेंसिटिव फेस रिकॉग्नाइजेशन, यानी आपके फेस पे कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा, कोई भी बिंदु रहेगा तो वो हटा देगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। आप जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं ऐसा सेम टू सेम आपको इमेजेस मिलने वाली है। तो आप लोगों को ये फ़ोन कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, ताकि आपके मैं सारे चीज़ों का ध्यान से देख सकूं। आप यदि फ़ोन बाई करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बता देना, आपको फ़ोन चाहिए तो मैं इसके सीधे वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी बाई कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा पड़ेगा, बहुत बढ़िया पड़ेगा। इंडिया के अंदर मैं चाहता हूं कि तो आप लोग खरीदना चाहते हैं तो फ़ोन ये सब बाहर से ही खरीदें, इंडिया के अंदर से ना खरीदें, इंडिया में तो लूट मची है। तो दोस्तों आप लोगों को फ़ोन चाहिए, अच्छा खासा चाहिए, अच्छा यूज करना चाहते हैं तो इससे अच्छा अच्छा फ़ोन आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका जो डिलीवर करता है वो कौन कौन सी कंपनी है, और पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है तो कौन कौन से पेमेंट कंपनी करती है इस पे। आपको जो है कि ये फ़ोन ख़रीदना होगा तो फर्स्ट ऑफ पेमेंट करना होगा, ठीक है। और इसकी कीमत देख सकते हैं 4,917 से 4,240 तक का फ़ोन है, और 12 GB का है यार। इतना तो आपको इंडिया के अंदर किसी भी फ़ोन में भी नहीं मिलते, क्योंकि ज़्यादातर मिलती है 4 GB, 6 GB, और ज़्यादातर उससे ज़्यादा आया है तो 8 GB का आया है बस। और पोको M3 प्रो है, ये एक नंबर का फ़ोन है, 16+512 GB का फ़ोन है। आप देख सकते हो इसमें भी ब्लैक है, आसमानी है, येलो है, आपको कैसा फ़ोन पसंद है। लेकिन फ़ोन में कितना ज़बरदस्त कलर दिया गया है, यदि ये फ़ोन आपको मिल जाए तो कैसा महसूस करेंगे। आप लोगों को ये फ़ोन कैसा लग रहा है दोस्तों, हमें ज़रूर कमेंट करना, और हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, बहुत तेज़ी से इंतज़ार कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये फ़ोन आपको अच्छा लगता है, इसमें देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट में कैसे फिंगर स्कैनर हो रहा है, स्कैनिंग हो रहा है, ठीक है, देख सकते हैं। इतना ज़बरदस्त कहीं किसी भी फ़ोन में देखने को मिलेगा कि आपके अंगूठे रखते ही कितना बगल में कितना हाईएस्ट लाइटिंग मारता है, कितना ज़बरदस्त चमक होती है, ये फ़ोन में कितना सेंसिटिव है आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। M3 प्रो है और 16+512 GB का फ़ोन है। इसमें कलर में देखा जाए तो आपको HD कलर मिलेगा, फुल HD कलर, ठीक है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं इसमें गेमिंग का प्रोसेसिंग इतना हाईएस्ट है पूछो मत, 16 GB, 16 GB यानी 8 × 16, 4 × 8 × 16, आपको 3 गुना बढ़ के मिल रहा है। इंडिया के बाहर जो कंपनियां हैं
फ़ोन को कितना हाई रेंज दे रही हैं, कितना ज़बरदस्त बढ़ावा दे रही हैं। अपने इंडिया के अंदर साला 4 GB भी बिकना बहुत मुश्किल होता है, 4 GB भी लॉन्च करना बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है दोस्तों। और इतने सस्ते कीमत पे आप लोगों को फ़ोन इंडिया के अंदर तो मिल ही नहीं सकता, जो भी मिलेगा इंडिया के बाहर ही मिलेगा ऐसा फ़ोन। आपको ऐसे फ़ोन की ज़रूरत है और हमें भी ज़रूरत है ऐसे फ़ोन की, तो हम चाहते हैं कि जितने दोस्त लोग हैं हमारे, जितने ऑडियंस लोग हैं हमारे, जो भी आप लोग देख रहे हैं ऐसा फ़ोन, आप लोग, मैं चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे फ़ोन खरीदें और हमारी हमारे YouTube चैनल पे इतना बढ़ावा दें कि आप लोगों को मैं इससे भी अच्छा फ़ोन लाके देता रहूं, दिखाता रहूं। यदि आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो मैं आपको इससे भी बढ़िया फ़ोन लाके देता रहूंगा दोस्तों। तो हमारे चैनल पे यूं ही बने रहें और अपना प्यार बरसाते रहें, ठीक है। आप फ़ोन को देख सकते हैं कलर में कैसे एकदम हाई कलर, हाई एकदम रेंज में, हाई सोसाइटी वाला फ़ोन एकदम। मैं इसके बारे में क्या कहूँ, कैसे कहूँ, समझ नहीं आ रहा है दोस्तों। तो आपको ये फ़ोन कितना अच्छा लग रहा है हमें ज़रूर बताना। ऐसे ऐसे फ़ोन जो है आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, मैं जो बता रहा हूँ। आपने फ़ोन बहुत देखे होंगे लेकिन हमारी वेबसाइट पे, हमारी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को नया नया पीस दिखाया जाएगा, जो यहाँ दिखाते हैं ना उससे अच्छा फ़ोन दिखाया जाएगा। इसकी कीमत देखी जाए 4,917 और 4,856, 4,240 रुपये आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे तीन कलर हैं, इसमें तीनों कलर में आपको कौन सा पसंद आ रहा है दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और हम आपके प्यार की इंतज़ार कर